हेलो स्टूडेंट्स माई सेल्फ जी एस चौहान टीम बॉटनी सीएलसी से सीकर हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं आपका जो डायमंड टेस्ट सीरीज़ का पार्ट सेकेंड है यानी कि जो 4 अप्रैल को कंडक्ट हुआ है उसका सॉल्यूशन इसमें टॉपिक है अपना प्लांट मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी एंड प्लांट फिजोलॉजी है ना उम्मीद करते हैं आपने एक अच्छा पेपर डिस्कस किया होगा स्टडी किया होगा इसमें आपको पॉसिबल क्वेश्चन फ्रेम किए गए हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन है असुमिलित युग्म का चुनाव कीजिए सिलेक्ट मिस पेयर मिसमैस पेयर को हमें सेलेक्ट करना है, है ना ऐसे पिछले साल काफ़ी क्वेश्चन आए हैं सेलेक्ट रॉन्ग स्टेटमेंट सिलेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट पेयर तो पॉसिबिलिटी इस बात की है कि इसी टाइप के क्वेश्चन और फ्रेम किए जाए आ, ये हो सकता है कि ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिले जैसे पोरिन प्रोटीन है पोरिन प्रोटीन आपके कहाँ प्रेजेंस होती है पोरिन प्रोटीन प्रेजेंस इन आ, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट एंड बैक्टीरिया ये हमें फैसिलिटेड uh, डिफ्यूजन जब हम स्टडी करते हैं तो वहाँ पर इन साइड ने लिख रखा है है ना तो ये क्या करता है ये फैसिलिटेट uh, करता है फॉर सम स्पेसिफिक लार्ज पार्टिकल्स टू एक्सचेंज इनसाइड द सेल और आउटसाइड द सेल तो प्रोडिन प्रोटीन इनर मैमब्रीन ऑफ माइडोकोन इनर मेम्बरीन में प्रजेंस नहीं होती है. हमें क्या करना है मिसमैस को सिलेक्ट करना है तो एक तो ये हो गया डिफ्यूजन रिक्वायर्ड एनर्जी है ना क्या डिफ्यूजन को एनर्जी रिक्वायर्ड होती है बट इट इज नॉट रिक्वायर एनी टाइप ऑफ एनर्जी स्पेशली इन द फॉर्म ऑफ एटीपी एटीपी के फॉर्म में इसको एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती है और डाउन हिल मूवमेंट है हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन है इसीलिए भी इसको एनर्जी uh, की रिक्वायरमेंट नहीं है एक्चुअली एनर्जी वहां रिक्वायर्ड होती है जहां अप हिल मूवमेंट होता है मीन्स एक्टिव ट्रांसपोर्ट वे आर पार्टिकल्स मूव फ्रॉम लो कंसनट्रेशन टू हाई कंसन्ट्रेशन ऐसी जगह पर हमें ए टी पी की रिक्वायरमेंट होती है इट मीन्स दिस इज ऑल्सो मिस मेस्ट वेयर एक्टिव ट्रांसपोर्ट अप हिल मूवमेंट देखो ये सही है एक्टिव ट्रांसपोर्ट अप हिल मूवमेंट को शो करता है है ना डाउन हिल मूवमेंट हमें कहा मिलता है डाउन का मतलब होता है हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन इट कि इट मे स्टडीड इन सिंपल डिफ्यूजन एज वेल एज डिफ्यूजन ओके तो आपके लिए फर्स्ट एंड सेकेंड मिसमैस्ड पेयर है तो इसलिए हमारे लिए फोर्थ करेक्ट आंसर बन जाता है गुड नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन में सिलेक्ट रॉन्ग स्टेटमेंट ठीक है अब इसमें वहां स्टेटमेंट को हमने मिस मैस मिस मैस को सिलेक्ट किया था यहां पर स्टेटमेंट रॉन्ग कौन सा है वो सिलेक्ट करना है यहां कहा गया है कि इफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन प्योर वाटर देन फ्री एनर्जी ऑफ वाटर डिक्रीज अगर हम एक सॉल्यूशन लेते हैं और इस सॉल्यूशन में सॉल्यूट को ऐड करना स्टार्ट कर देते हैं जैसे जैसे इसमें सॉल्यूट बढ़ेंगे इसका जो साई डब्ल्यू है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा साई डब्ल्यू डिक्रीज हो जाएगा और वैसे ही वैसे क्या होगा प्योर वाटर की जो फ्री एनर्जी है अल्टीमेटली वो भी डिक्रीज हो जाएगी है ना साई डब्ल्यू का कंसेप्ट ही है कि वाटर मूव फ्रॉम हाई 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 फ्री एनर्जी टू लो फ्री एनर्जी वाटर पोटेंशियल की एक सिंपल सी डेफिनेशन होती है कि डिफरेंस ऑफ फ्री एनर्जी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल बिटवीन प्योर वाटर एंड एंड फ्री एनर्जी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन सॉल्यूशन सॉल्यूशन में और प्योर वाटर में वाटर के मॉलिक्यूल की फ्री एनर्जी का डिफरेंस ही साई डब्ल्यू होता है तो जैसे ही हम एक सॉल्यूट ऐड करते हैं वैसे ही जो वाटर की फ्री एनर्जी है यानी क्योंकि वाटर एक्चुअली सॉल्यूट से बाइंड अप हो जाता है और उस वजह से उसकी फ्री एनर्जी डिक्रीज हो जाती है ठीक है तो ये हमारे लिए करेक्ट आंसर बनता चला जा रहा है ऑस्मोसिस प्रोसेस डिपेंड्स ऑन बोथ प्रेशर ग्रेडियंट एंड कंसर्टिस बिल्कुल एनसीईआरटी ने लिख रखा है मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर और ये कंसंट्रेशन uh, so इस पर डिपेंड करता है, ठीक है डाउनहिल ट्रांसपोर्ट परफॉर्म सिंपल डिफ्यूजन डाउनहिल डिफ्यूजन कोई भी हो उसमें डाउनहिल मूवमेंट ही होगा मींस हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन डिफ्यूजन आपको देखने को मिलेगा सरल विसरण में अधो पर एक स्थानांतरण संपन्न होता है ठीक है सरल बिशरण में स्थानांतरण संतृप्तता पाई जाती है देखो इस पॉइंट पर सेचुरेशन सिंपल डिफ्यूजन में कभी भी सेचुरेशन नहीं आता है सेचुरेशन में स्टडीड इन टू प्रोसेस स्पेशली वन इज फैसिलिटेड डिफ्यूजन एंड अनदर इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट व्हाई? बिकॉज दे नीड दे नीड कैरियर प्रोटीन प्रेजेंस ऑन मेम्ब्रेन। क्योंकि इन्हें इन्हें बाहक प्रोटीन या चैनल प्रोटीन की जरूरत होती है किसे सुसाध्य विसरण और सक्रिय अवशोषण या सक्रिय ट्रांसपोर्ट तो इसलिए कहा जाता है कि इसमें सेचुरेशन नहीं आते क्योंकि इसमें नहीं है बिकॉज सिंपल डिफ्यूजन इज नॉट डिपेंड्स ऑन लिविंग सिस्टम इट मे परफॉर्म इन बोथ लिविंग लिविंग एज एज वेल नॉन तो इसीलिए हमारे लिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट बन रहा है फोर्थ तो इसका आंसर अपने लिए फोर्थ हो जाता है क्लियर नेक्स्ट चलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज नॉट ओनली परफॉर्म ड्यूरिंग द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसफर बढ़िया क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी प्रक्रिया केवल अधिक दूरी के स्थानांतरण में संपन्न नहीं होती केवल सिर्फ वही प्रोसेस संपन्न नहीं होती बल्कि उसके साथ में दूसरी प्रोसेस भी कंडक्ट होती है तो डिफ्यूजन डिफ्यूजन क्या होता है एक्चुअली शॉर्ट डिस्टेंस तक तो ये ट्रांसलोकेट करा सकता है लेकिन लॉन्ग प्लांट में ये मूवमेंट को शो नहीं कर सकता है उसके लिए फिर हमें लॉन्ग देखो सिंपल uh, जो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होता है उसमें वाटर या मिनरल का जो ट्रांसलोकेशन है इनसाइड द सेल और इनसाइड द टिश्यू जो मूवमेंट होता है वो देखने को मिलता है इसमें ऑस्मोसिस आती है डिफ्यूजन आता है साइटोप्लाज्म स्ट्रीमिंग आती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट को भी आप ऐड कर सकते हो लेकिन जब लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट की बात आती है तो उसमें वैस्कुलर टिश्यू की रिक्वायरमेंट होती है तो वैस्कुलर टिश्यू जहां रिक्वायर्ड होता है तो वहां सिंपल डिफ्यूजन से काम नहीं चलेगा इसीलिए इसमें ये फर्स्ट आंसर हमारे लिए करेक्ट बन जाता है ठीक है आपके जो ट्रांसप्रेशन है वास्पोसन है वो तो एक्चुअली आपके लॉन्ग डिस्टेंस में यूज होगा नो डाउट फर्स्ट इज करेक्ट आंसर ओके नेक्स्ट बढ़िया है मैच द फॉलोइंग कॉलम फर्स्ट एंड सेकेंड एपोप्लास्ट मैक्सिमम आप ऑफ एपोप्लास्ट के जरिए पानी का मैक्सिमम अब्सॉर्प्शन होता है इवन कहा जाता है कि 98% परसेंट तक वाटर को अब्सॉर्ब किया जाता है जल का अधिक अवशोषण बिल्कुल सही है हेल्प बाय साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग देखो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग तो वहां काम आएगी जहां पर आपको प्रोटोप्लास्ट का इन्वॉल्वमेंट देखने को मिले तो ये जो सिम्प्लास्ट मूवमेंट है उसमें तो हेल्प मिलता है इसको तो यहां मतलब ये हो रहा है कि सिंप्लास्ट के साथ में तो ये आता है कन्वर्ट इन सिंप्लास्ट एक और बढ़िया बात है एपोप्लास्ट तरीके से जो मूवमेंट है वो एंडोडर्मिस में जाके एक्चुअली सिंप्लास्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है क्यों क्योंकि एनसीआरटी ने लिख रखा है कि प्रोटीन ऑफ प्रोटीन प्रेजेंस इन मेम्ब्रेन ऑफ एंडोडर्मिस एक्ट एज ए कंट्रोल पॉइंट विच एडजिस्ट विच एडजिस्ट टाइप एंड क्वांटिटी ऑफ मिनरल्स जहाँ पर टाइप और क्वांटिटी मिनरल कौन एंटर हो रहा है देखो एक बार अगर एंडोडर्मिस से मिनरल एंटर हो जाए तो फिर उन्हें इनहिबिट करने का कोई रास्ता नहीं बचता है फिर वो प्लांट की बॉडी में एंटर होंगे ही तो इसीलिए एक प्लांट की हर प्लांट की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है अलग अलग नीड होती है कि वो किस मिनरल को कितनी मात्रा में चाहता है तो इसीलिए एंडोडर्मिस में यहाँ पर Uh, जितना भी मूवमेंट एब्जॉर्ब होता है चाहे एपोप्लास्ट हो चाहे सिम्प्लास्ट हो. सिम्प्लास्ट तो हो, ऑलरेडी सिम्प्लास्ट है लेकिन एपोप्लास्ट फाइनली कन्वर्ट हो जाता है सिम्प्लास्ट में तो कहा के लिए तो तो एपोप्लास्ट कन्वर्ट इन सिम्प्लास्ट फर्स्ट के साथ में आपका थर्ड भी जाएगा यू वॉल तो सेल वॉल क्या है एक्चुअली ये नॉन लिविंग पाथवे हो जाता है एपोप्लास्ट एपो का मतलब अपर प्लास्ट का मतलब प्रोटोप्लास्ट प्रोटोप्लास्ट की जो बाहरी सरफेस होती है वो सेल वॉल होती है

कहा जाता है कि लॉस ऑफ वॉटर इन द फॉर्म ऑफ वॉटर ड्रॉपलेट्स फ्रॉम अन इंजर्ड पार्ट ऑफ मार्जिन ऑफ लीव्स नॉन एज वाटर नहीं होता बल्कि इसमें मिनरल्स भी होते हैं प्लस इसमें सुक्रोज की भी प्रेजेंस हो सकती है और अकर्स थ्रू द स्टोमेटा क्या गटेशन स्टोमेटा के जरिए होता है तो स्टोमेटा नहीं यहां पर हाइड्रेथोड होते हैं मार्जिन uh, ऑफ ये काफी हद तक सही बनना है लॉस ऑफ प्योर वाटर नहीं होता है बल्कि मिनरल्स भी होते हैं अर्ली मॉर्निंग एंड मिड नाइट ड्यूरिंग नाइट क्योंकि यहां पर रूट प्रेशर हाई हो जाता है गटेशन एक मात्र ऐसी प्रोसेस है नेचर में जो रूट प्रेशर की एग्जिस्टेंस को शो करती है कहा जाता है कि गटेशन रिप्रेजेंट एविडेंस एज रूट प्रेशर इन नेचर तो रूट प्रेशर हमें एनसीआरडी ने दो ही प्रेशर वहाँ पर रूट प्रेशर और ट्रांसप्रेशन पुल ये दो थियोरी बताई हैं जो असेंट ऑफ शेप के लिए फोर्स प्रोवाइड करते हैं है, है ना तो यहाँ पर गटेशन एक ऐसी प्रोसेस है काफी इंपॉर्टेंट है गटेशन में से पॉसिबिलिटी है कि कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा तो यहाँ पर अर्ली मॉर्निंग और नाइट के अंदर ट्रांसप्रेशन नहीं होता है इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाता है यहाँ रोड प्रेशर हाई हो जाता है और रोड प्रेशर में पुशिंग फोर्स के जरिए वाटर को लिफ्ट कराया जाता है और जो अन पार्ट होते हैं मार्जिन खासतौर से वहाँ से ड्रॉपलेट के फॉर्म में वाटर रिलीज होता है ठीक है तो यहाँ के लिए आपको ट्रू सेलेक्ट uh, करना है तो एक तो सेकेंड हो रहा है और फोर्थ हो रहा है सेकेंड फोर्थ हमारे थर्ड आंसर है तो इसका मतलब है कि थर्ड क्लियर आंसर हमारे लिए बनता है नेक्स्ट चलते हैं गर्डिंग प्लांट अप टू बास्ट मे सर्वाइव फॉर समाइम बट इट विल इवेंचुअली ड्राई देखो एक मेखलाकार आपने एक प्लांट में क्या किया गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट किया इस पर भी अच्छे खासे क्वेश्चन बन रहे हैं आजकल ये गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट हुआ गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ है आपने बार्क रीजन को रिमूव कर दी ये रिमूव कर दी यहां पर जो पॉइंट था वो फ्लोयम क्या है फ्लोयम फ्लोयम को आपने रिमूव कर दिया ठीक है अब नो डाउट ये ये कह जाता है गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट जल नीचे की ओर प्रवाहित नहीं होगा अरे जल तो आपके जैलम के जरिए जा रहा तो वो तो चला जाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में जल ऊपर की ओर प्रवाहित नहीं होगा है ना तो नीचे पानी तो नीचे आता ही नहीं लिप से जड़ों की ओर नहीं आता है ना शर्करा व अन्य कार्बन पदार्थ नीचे की ओर प्रभावित नहीं होंगे यानी फ्लोएम क्या करता है फ्लोएम फूड मटेरियल ट्रांसलोकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल माना गया है और जो जायलम है जायलम में यूनि डायरेक्शनल फ्लो होता है वाटर ऑलवेज मूव फ्रॉम रूट्स टू अपर रीजन ऑफ प्लांट्स स्पेशली लीव्स तो ये यूनि डायरेक्शनल है जायलम का फ्लो और फ्लोएम का जरूर है बाई डायरेक्शनल लेकिन ऑर्डनरी फॉर्म में जो प्लांट की डेथ होती है अगर गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट होता है तो ऐसी कंडीशन में रूट अर्लियर डाई हो जाती है बिकॉज दे कैन नॉट ऑप्टेन सफिशेंट अमाउंट ऑफ फूड ड्यू टू एबसेंस ऑफ फ्लोएम इन गर्डल रीजन यहाँ से अपन बाघ को हटाने का मतलब फ्लोएम को ही रिमूव करते हैं और उस वजह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में रूट्स को सफिशेंट फूड अवेलेबल नहीं होता अल्टीमेटली रूट ड्राई होती है और फिर प्लांट भी मर जाता है अल्टीमेटली इसका क्लियर आंसर अपना बन रहा है थर्ड नेक्स्ट विच वन मे बी हेल्पफुल टू री द जून का महीना है तो उस टाइम क्या होता है एबजॉर्ब उतना नहीं हो पाता बल्कि ट्रांसपरेशन एक्सेस अमाउंट में हो जाता है ऐसी कंडीशन में जो वॉर्डर का कंटिन्यूस कॉलम है खास तौर से कोसिव फोर्स है जिसे हम ससंजक बल कहते हैं वो ब्रेक हो जाता है और ऐसी कंडीशन में <coughs> वाटर का फर्दर फ्लो पॉसिबल नहीं है तो ऐसे में क्या करोगे अल्टीमेटली बात यह है कि यहाँ पर पुशिंग फोर्स वर्क करता है और फिर उस फोर्स को री करने का काम करता है इसमें अपना थर्ड करेक्ट आंसर बनता है नेक्स्ट कंसिडर द गिविन स्टेटमेंट क्या है हमें इनकरेक्ट सेलेक्ट करना है ठीक है एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी एज ए टी पी इज प्लेस इन द एक्टिवली ट्रांसपोर्ट एंड फैसिलिटेड डिफ्यूजन नो ठीक है फैसिलिटी डिविजन में नहीं चाहिए रिलेशन बिटवीन द सोर्स एंड सिंग बिकम कॉन्स्टेंट ऑलवेज ऑलवेज नहीं होता सीजन के हिसाब से चेंज होता रहता है स्रोत और कुंड के मध्य संबंध नियत नहीं होता बल्कि चेंजेबल होता है लोडिंग ऑफ सुक्रोज इन फ्लोयम सेल प्रोड्यूस ए हाइपर हाइपोटोनिक सोल्यूशन नहीं हाइपरटोनिक बनता है हाइपो नहीं बनता ओल्डर लीव्स ओल्ड ओल्डर डाइंग लीव्स एक्सपोर्ट मच देस यंग लीब्स ही ट्रांसफर कर देते हैं जो मोबाइल है उनको ट्रांसलोकेट किया जाता है इनर uh, uh, तो ऐसा नहीं है यहाँ पर इसमें नहीं है अमाउंट ऑफ वॉटर स्टोमेटा ऐसा नहीं होता Hmm? Uh, क्योंकि लीव के अंदर में अगर होंगे भी तो लोअर सरफेस पर ज्यादा होते हैं अपर पर कम होते हैं ठीक है तो इस तरीके से हमारे लिए uh, जो करेक्ट आंसर बनेगा हो रहे हैं इसमें इस तरीके से नेक्स्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मैकेनिज्म ऑफ फूड ट्रांसलोकेशन इन प्लांट प्लांट में जो भोजन का स्थानांतरण होता है उसके लिए हमें सही स्टेटमेंट uh, को चुनना है इट अकर्स इन द फॉर्म ऑफ पॉलीसेक्राइट देखो पॉलीसेक्राइड नहीं डाइसेकर के फॉर्म में होता है क्योंकि सुक्रोज जीजिए डाई सेक्राइड ठीक है इट इज ऑलवेज ऑलवेज फ्रॉम लीव्स टू रूट्स हमेशा नहीं होता क्योंकि ये चेंजेबल होता है uh, कहा जाता है कि स्प्रिंग सीजन के अंदर जब लीव्स ड्रॉप हो जाती हैं तो वहाँ पर फिर सोर्स की तरह रूट्स वर्क करती है तो ये भी uh, सही नहीं है इट रिक्वायर एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी एनर्जी नहीं चाहिए इसको कंपेनियन सेल प्रोवाइड एनर्जी ड्यूरिंग द लोडिंग ऑफ इन सीब सेल सही बात है देखो सीब जो ट्यूब होती है उसके पास सेल ऑर्गेनेल स्पेशली माइटोकॉन्डिया एबसेंट होता है तो फिर जो एक्टिव लोडिंग हो रही है उसमें आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी तो वो एनर्जी फिर कौन देगा तो फिर वो कंपेनियन सेल की जो माइटोकॉन्डिया है वो उस एनर्जी को प्रोवाइड करेगी अच्छा क्वेश्चन है पॉसिबल क्वेश्चन है नेक्स्ट ड्राई ड्राइव एंड द क्रैक इन रॉक एंड देन कैन डेवलप इन अ प्रेसर टू स्प्लिट रॉक सच प्रेसर इज अप थ्रू द फिनोमिना देखो कहा जाता है कि वो हमारे जो एंसेस्टर थे बुजुर्ग लोग थे प्राचीन जो हमारे पूर्वज थे उनके पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं थी तो उस टाइम पत्थरों को या चट्टानों को तोड़ने के लिए वो क्या करते थे एक पहले होल बनाते थे होल में एक वुड को एंटर कराते थे और इस पर यहाँ वाटर को कंटिन्यू वो ऐड करते रहते थे जब वाटर कंटिन्यू ऐड किया जाता था तो ये जो हिस्सा है ये एक्सपेंडिचर शो करता था मतलब सोएलप हो जाता था इसको हम है कहते हैं एम्बायवेशन फोर्स और एम्बायवेशन फोर्स इतना पावरफुल बनता है कि यहाँ पर जो रॉक है वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं है ना? तो यहां पर करेक्ट अपना आंसर बन रहा है फर्स्ट इन फोर्स नेक्स्ट ए म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन द फंगस एंड रूट ऑफ जिम्नोस्पर्म लिखा हुआ है कहा तो यहां तक ज्यादा है एक पॉइंट और याद रखना कि माइकोराइजा इज ऑब्लिक रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स ऑफ पाइनस एंड And fungus. मतलब कितना में तो फर्स्ट एंड सेकेंड हमारे लिए करेक्ट आंसर बन जाता है एनसीआर बेस क्वेश्चन है आप देख सकते हैं फ्रीक्वेंसी बढ़िया है देखो लगता है कि ये एक अच्छा क्वेश्चन बनाया जा सकता है में लिखा है क्लोराइड एक पेपर है जो ब्लू कलर का होता है जहां जहां से ट्रांसप्रेशन हो रहा है जहां हो पर ये ये पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाता है तो कोवाल क्लोराइड एक अच्छा यहाँ पर क्वेश्चन फ्रेम है नो डाउट नेक्स्ट चलते हैं रूट प्रेशर इज द प्रेशर एक्सटेड बाई ये बढ़िया है देखो एनसीआरडी ने लिख रखा है रूट प्रेशर के लिए पॉजिटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर प्रेजेंस इन एलिमेंट एलिमेंटलरी एलिमेंट यानी कि ट्रैकेट वेसल्स जितना ज्यादा वाटर का कंटेंट ज़ाइलम के ट्रैकिड एंड वेसल्स के अंदर होगा उतना ज्यादा प्रेशर रूट में जनरेट होगा टू पुश द वाटर प्रेजेंस इनसाइड द ट्रैकिड एंड वेसल तो पॉजिटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो जाइलम में प्रेजेंस है वही रूट प्रेशर के इक्वल होता है है ना तो इसीलिए इसीलिए कहा जाता है कि अर्ली मॉर्निंग में रूट प्रेशर सबसे ज्यादा होता है क्यों क्योंकि ट्रांसप्रेशन रात में हुआ ही नहीं है तो मैक्सिमम एक हो गया है एलिमेंट तो इसीलिए रूट को ऑस्मोसिस प्रेस से वाटर को एब्सॉर्व करके और उसको पुश करने में उतना ज्यादा प्रेशर लगता है इसे कहते हैं हम लोग रूट प्रेशर तो फोर्थ इसका करेक्ट आंसर बन जाता है नेक्स्ट द टर्म एपोप्लास्ट सिग्निफिकेंट देखो एपोप्लास्ट का मतलब है कि एपो मींस अपर प्लास्ट का मतलब व्हाट अपर ठीक है और प्रोटोप्लास्ट का मतलब है प्रोटोप्लास्ट प्लास्ट का मतलब प्रोडोप्लास्ट ठीक है तो प्रोटोप्लास्ट की जो बाहरी सरफेस है वो क्या है प्लांट में वॉल तो सेल वॉल के जरिए जाएगा प्रोटोप्लास्ट यहाँ कहीं भी इन्वॉल्व नहीं होगा जैसे सिग्निफिकेंट इंटरसेल स्पेस आंसर तो यही बनता दिख रहा है ये आपका प्रोटोप्लास्ट इन्वॉल्व नहीं होगा इसमें नहीं होगा वैक्यूल <coughs> नहीं होगी देखो वैक्यूल कहाँ है वैक्यूल एक्चुअली प्रोटोप्लास्ट के अंदर ही तो है तो इसीलिए इसका मतलब है इनडायरेक्ट वे में कि प्रोटोप्लास्ट फिर से इन्वॉल्व हुआ है इसीलिए हमारे लिए फर्स्ट करेक्ट आंसर बन रहा है नेक्स्ट फ्लो ऑफ of water वर्ड बढ़िया है, देखो आ, लिखा है क्वेश्चन बनाया जा सकता है कहा जाता है ट्रांसप्रिशन पुल इतना पावरफुल होता है कि इसका जो ट्रांस आ, असेंट ऑफ की जो रेट होती है वो 15 मीटर पर आवर के फॉर्म में होती है तो इसलिए हमारे लिए करेक्ट आंसर फोर्थ बनता है नेक्स्ट चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट ड्यूरिंग द अर्ली स्प्रिंग सीजन लीव्स आर सोर्स Of food. देखो, correct answer तो यहीं पर बनना है है. क्योंकि यहीं हो रहा है। Actually, spring season के अंदर आपकी जो leaves होती हैं वो होती नहीं इसलिए वो source बनने का सवाल ही नहीं है अच्छा स्टोरेज ऑफ ऑर्गेन ये ठीक है जो रूट्स होती हैं वहां पर फूड का स्टोरेज भी आपको देखने को मिलता है ठीक है द सोर्स सिंक रिलेशनशिप इज वेरिएबल अकॉर्डिंग टू सीजन सही बात है नॉर्मल कंडीशन में लीव्स आपके लिए सोर्स है है ना? प्लांट के लिए और लेकिन स्प्रिंग सीजन में रूट एज ए सोर्स वर्क करती है सिंक एबल टू यूज यूज भी करेगा देखो एनसीआरडी ने मास फ्लो में प्रेसर फ्लो में, बात लास्ट में लिख रखी है कि uh, सुक्रोज इज अनलोड बाय अगेन एक्टिव अनलोडिंग प्रोसेस एंड ट्रांसलोकेट टूवर्स द रीजन वे आर फूड मटेरियल इज स्टोर और एनर्जी इज प्रोड्यूस और सेलोज इज फॉर्म्ड टू प्रिपेयर सेल वॉल इन सेल तो ऐसे तीन जगहों पर सेल वॉल फॉर्मेशन की ओर ले जाया जाए जाए जाएगा जहां एनर्जी स्टोरेज तो मैरिस्टेम की ओर सीधे सीधे जाएगा और प्लस जहाँ स्टोरेज होता है देखो एक ऑर्डनरी कंसेप्ट भी है क्या क्योंकि किसी के पास अगर पैसे आते हैं तो वो दो डायरेक्शन में मूव करते हैं या तो नॉर्मल uh, अमाउंट है तो जो उसकी रिक्वायरमेंट है उसमें वो यूज करेगा अगर एक्सेस अमाउंट में है तो फिर वो उसे स्टोर करना स्टार्ट कर देगा वैसे ही प्लांट भी करता है पहले एनर्जी में यूज करेगा सेल्युलोज फॉर्मेशन में यूज करेगा इस सुक्रोज को और जब एक्सेस अमाउंट में आएगा तब तो स्टोर की स्टोरेज की ओर ले जाएगा है ना तो कहने का मतलब इनकरेक्ट पूछा है तो हमारे लिए फर्स्ट करेक्ट आंसर बन रहा है नेक्स्ट सिलेक्ट मिस पेयर एल्कोहल डिहाइड्रोजनेस सही बात है बढ़िया है अच्छा क्वेश्चन है नाइट्रोजन रिडक्टेड एनसीआर में लिखा है ये एम जी है तो ये बात सही थी एनसीआर में लिखा हुआ है नाइट्रोजन मेटाबोल की लास्ट जो पैराग्राफ है वहां से क्वेश्चन फ्रेम है कंसिडर हैव मोर नाइट्रोजन देन नॉर्मल अमीनो एसिड देखो अमाइट्स में नाइट्रोजन का कंटेंट नॉर्मल अमीनो एसिड से ज्यादा होता है वाई बिकॉज हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ नॉर्मल अमीनो एसिड रिप्लेस बाई बाई अमीनो ग्रुप इस जो उसमें हाइड्रोक्सल ग्रुप होता है उसको अमीनो ग्रुप रिप्लेस कर देता है सही बात सोयाबीन एक्सपोर्ट यूरेट्स के फॉर्म में सोयाबीन एक्सपोर्ट करता है इसलिए भी कहा जाता है कि यहां पर इसमें प्रोटीन का कंटेंट सबसे ज्यादा होता है बोथ स्टेटमेंट आर नेक्स्ट टॉक्सिसमटम बढ़िया है Uh, चारों तरफ जो वेन रीजन होते हैं यहाँ यहाँ पर कुछ brown spot बन जाते हैं इससे हमें पता चलता है कि एम एन की टॉक्सोसिटी हो रही है लेकिन सिलेक्ट स्टेटमेंट फॉर द एम एन टॉक्सिसमें क्या हो रहा है इट प्रमोट द एबजॉपन एब्जॉर्न ही इनिवेट करता है इट प्रमोट एसोसिएशन एसोसिएशन नहीं प्रमोट uh, नहीं करता इनहिबिट करता है हाँ ये सही है इट इनहिबिट कैल्सियम ट्रांसपोर्ट अपेक्स रीजन ये सही जा रहा है ये ये के को भी <coughs> करता है। तो अल्टीमेटली बात ऐसे बन रही है कि आपका थर्ड उसके लिए करेक्ट आंसर बनता है नेक्स्ट चलते हैं वॉट आर मे बिकम ए लिमिटिंग फैक्टर इन बोथ एग्रीकल्चर एंड नेचुरल फॉर द ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ द प्लांट ड्यू टू दाई डिमांड तो होना चाहिए और हाई ट्रांसपरेशन क्योंकि ट्रांसपरेशन की रेट भी ज्यादा होती है इस वजह से इसका करेक्ट आंसर थर्ड बनता है बाकी कोई है ही नहीं आंसर डिकिंग ऑफ बायोमास अच्छा है जो नाइट्रोजन मेटावलिज्म होती है उसमें चार स्टेप होते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन नाइट्रिफिकेशन अमोनिफिकेशन एंड डी है ना तो इसमें अमोनिफिकेशन कहा जाता है डेड ऑर्गेनिक मास होता है वो प्लांट का हो सकता है वो एनिमल का हो सकता है एक्सक्रीडा हो सकता है इसको अगर दोबारा से अमोनिया में कन्वर्ट किया जा रहा है मीन्स दिस इज कॉल्ड अमोनिफिकेशन फोर्थ करेक्ट आंसर है बढ़िया एनाबीना एंड नोस्टॉक आर डिफर फ्रॉम द रोबियम कैसे एनाबीना नॉस्टॉक पहली बात तो ये है कि ये साइनोबैक्टीरिया है राइजोबियम एक टिपिकल बैक्टीरिया है जो सॉयल में प्रेजेंस होता है ए कैन फिक्स एन टू एज फ्री देखो हमारे जो एनाबीना नॉस्टॉक है ये आपके नॉर्मल वाटर में इंडिपेंडेंटली नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकते हैं क्योंकि इनकी फिलामेंट के अंदर एक स्पेशल सेल होती है जिसका नाम है हिट्रोसिस्ट होट्रोसिस्ट होने पर ये वहाँ पर नाइट्रोजन फिक्सेशन बड़े आराम से कर सकते हैं इसी की वजह से एन ने एक जगह लिख रखा है कि साइनोबैक्टीरिया इंक्रीज नाइट्रोजन कंटेंट इनसाइड द वॉटर प्रजेंस इन पेडिफील धान के खेतों में जो uh, जो पानी होता है उसमें ये इंक्रीज करते हैं डू नॉट सो लेकिन ये नहीं कर सकता ये इंडिपेंडेंटली नहीं कर सकता तो आंसर तो हमें फर्स्ट ही मिलता हुआ नज़र आ रहा है बी कैन भी सेंड्र फ्रीली बी नहीं फ्री नहीं नहीं कर सकता इसे लेगोमस प्लांट का होना ज़रूरी है फ्री दोनों नहीं कर सकते फ्री ए है ऑफ द नाइट्रोजेनिस ऐसा नहीं है नाइट्रोजेनिज तो दोनों के अंदर होता है बिना नाइट्रोजेनिक के नाइट्रोजन फिक्सेशन हो ही नहीं सकता इन विच ऑफ द द्लांट एन टू फिक्सेशन इन रूट नोड बाई नॉन फ्रेंगोमस प्लांट में नाइट्रोजन uh, फिक्सेशन करता है और सिम्बाल से रिलेशनशिप में प्रेजेंस होता है एलनस इसका बढ़िया आंसर बन जाता है देखो ये लेगोमिनस प्लांट है दोनों धतूरे का इससे कोई लेना देना है नहीं तो थर्ड हमारे लिए करेक्ट आंसर बनता है आइडेंटिफाई द ग्रुप ऑफ डी नाइट्रिफिक बैक्टीरिया बढ़िया डी नाइट्रिफिक बैक्टीरिया में आपका सीडोमोनास थास दोनों आते हैं जेंथमोनाइरोपाइलम नहीं आएगा क्लोस्टिडियम नहीं आएगा है ना ये सब कुछ नहीं आएगा है ना तो फर्स्ट आंसर आपका करेक्ट आंसर बनता है चूज द करेक्ट सिकवेंस ऑफ रूट नोडियल रूट नोडियल फॉर्मेशन की सही सिक्वेंस uh, क्या है अक्सर ये एनसीआरटी में पूरा डायग्रामेटिक फॉर्म में दिया है पॉसिबिलिटी है इस बात की तो क्या होगा मूल रोम का कंतुलन नहीं पहले क्या होगा पेनिट्रेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ इन्फेक्शन नहीं ये थर्ड नंबर पर होगा रिकॉग्निशन ऑफ सुटेबल होस्ट पहले तो जो सॉइल का बैक्टीरिया है सबसे पहले लगमस प्लांट की रूट को आइडेंटिफाई करता है उसके रूट हेयर और एपिडर्मिस से अटैच हो जाता है और फिर इन्फेक्शन करता है उसके बाद में इन्फेक्शन होता है उसके बाद में ये कर्लिंग होती है कर्लिंग के बाद में पेनिट्रेशन होता है थर्ड के फॉर्म में फिर डेवलप होता है, है ना तो आपका फर्स्ट ये हो रहा है देन सेकंड देन थर्ड तो सी ए सी ए बी डी थर्ड आंसर करेक्ट बनता हुआ नजर आ रहा है नेक्स्ट इन सॉइल अच्छा है देखो ये इकोलॉजी की भी डिमांड हो सकती है कि प्लांट जो वाटर को एब्जॉर्व करते हैं वो कैपिलरी वाटर होता है कैपिलरी वाटर होता है कि सॉयल पार्टिकल के बीचों में जो स्पेस होता है उस स्पेस में अडेसिव जो वाटर होता है उससे जो एक्स्ट्रा वाटर का अमाउंट होता है वो एक्चुअली कैपिलरी वाटर होता है तो कैपिलरी वाटर देखो ग्रेविटेशनल तो इतना नीचे चला जाता है जमीन में ग्रेविटेशनल फोर्स से कि उसे वापस रूट रूट से कर ही नहीं सकती होता है जो सॉइल पार्टिकल से अटैच होता है जिसे से भी कह सकते हैं तो कैपेलरी इसका करेक्ट आंसर बन रहा है नेक्स्ट चलते हैं पेयर ऑफ द प्लांट प्लांटे इनफीरियर ओवरी अब यहाँ से मोरकोलॉजी के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं अच्छा है देखो पॉसिबल है फ्रेमिंग

मेरी गोल्ड में होता है पैराटल प्लासेंट वीट में नहीं होता है। वीट में बेसल होता है क्या होता है वीट में बेसल होता है फ्री सेंट्रल प्राइम है और डायंथस इन दोनों में होता है थर्ड हमारे लिए करेक्ट आंसर बनता है नेक्स्ट सिलेक्ट रॉन्ग स्टेटमेंट गलत को चुनना है फ्री सेंट्रल प्रेजेंस ऑलवेज इन यूनि बढ़िया देखो आपके फ्री सेंट्रल में जो सेंट्रल एक्सिस है वो ये इसे हम कहते हैं फ्री सेंट्रल है ना इसमें यूनिलोकुलर कंडीशन होती है याद रहे फ्री सेंट्रल और एक्साइल में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि वहाँ एक्साइल प्लासेंटेशन में मल्टीकाररी सिनकारपस ओवरी ये प्रोड्यूस करती है और उसका जो आ, फ्यूजन पॉइंट होता है वहाँ सेप्टम बन जाता है लेकिन मल्टी कार्पुलरी सिनकार्पस आपके फ्री सेंट्रल को भी बनाती है लेकिन उसमें सेप्टम नहीं बनते सेप्टम नहीं बनने से वो यूनिलोकुलर फॉर्म में बनी रहती है है ना ऑलवेज यूनिलोकुलर ये सही रह रहा है मस्टर्ड पैराडल प्लासेंटेशन मस्टर्ड में होता है बिल्कुल सही है एंडोडर्म एडल बिफोर फर्टिलाइज बिफोर नहीं आफ्टर होता है बिफोर होता तो एनजियोसम का जो एंडोस्पर्म है वो हैप्लॉयड हो जाता है ना जबकि ये ट्रिप्लॉयड होता है ट्रिप्लॉयड का मतलब है कि आफ्टर फर्टिलाइज ठीक है ये भी अच्छा है तो रॉन्ग पूछा है तो थर्ड अपने लिए करेक्ट आंसर बनता है सिलेक्ट द नंबर ऑफ सिमिलर करेक्टर ऑफ मैंगो ठीक है मीजो का एडिबल है नहीं कोकोनट में मीजो एडिबल नहीं है बल्कि एंडोडर्मिस एंडोस्पम है ट्रू फ्रूट है नो डाउट ड्रू फ्रूट है सही बात है ये दोनों का एंडोडर्मिस नहीं है ये मोनोकार पे सुपेरियर थर्ड क्लियर है आंसर नो डाउट नेक्स्ट सिलेक्ट द राइट एंड रॉन्ग स्टेटमेंट लीव्स लीव अल्टर फिल्टोडक्सी फाउंड इन मस्टर्ड चलो सही है पिनीट कंपाउंड लीव फाउंड इन रोज एंड सही है पिनेट का मतलब है इस टाइप से रोज में जो लीव्स होती हैं वो कुछ इस तरीके से होती है ना तो हम इसे पिन्नेट कहेंगे यहां इसकी एक्सिलरी बड़ इसीलिए इम पेरी ये लीव्स प्रेजेंट होती है टेमरिन पेरीपिडेट का मतलब है कि इसको अपन रिमूव कर दें यहाँ से तो ये इम पेरी बन जाती है ना ऐसे पेरी का मतलब होता है कि आपके दोनों साइड बन लीफलेट का नंबर

सामान्यतः एक पत्री भ्रूढ़ोषी होते हैं लेकिन कुछ जैसे कि अभ्रूढ़ोष होते हैं तो ऑर्किड ये अपने में लिखा हुआ है क्लियर मैच द फॉलोइंग कॉलम फर्स्ट एंड सेकेंड बढ़िया हुँ? क्या ब्राइट कलर ब्लाइट कलर तो कोरोला का ही होगा है ना चमकीले कलर किसके होंगे कोरोला उसके बाद में लीफ लाइफ तो कैलिक्स होगा पॉलीपेटेलस पेटल पेटल का मतलब है कि आपके कोरोला की यूनिट पेटल होती गैमोस सेपेलस सेपेलस का मतलब ये हो जाता है इनर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑर्गन इसका तो कोई लेना देना है ही नहीं है ना तो आपके लिए ए में जा रहा है सेकेंड एंड फोर्थ ए में सेकेंड फोर्थ आपको यहाँ नजर आ रहा है और बी में जा रहा है फर्स्ट एंड थर्ड तो आपके लिए थर्ड क्लियर आंसर बन जाता है नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट हमारे पास बी सेक्शन शुरू हो रहा है बढ़िया क्वेश्चन है ये डायग्राम है आपको इसमें से इनके लिए सेलेक्ट करना है क्या है इन रिलेशन ऑफ द गिवन डायग्राम ए बी सी डी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट करेक्ट को सेलेक्ट करना है सही कथन को सुनना है ठीक है अब क्या हो रहा है कि ए इज रिप्रेजेंट द टाइप ऑफ प्लासेंटेशन इन लेमन लेमन में नहीं लेमन में तो आपका एग्जाइल होता है ये बेसल का डायग्राम है

ईसाइमो और जो अपना फॉबिसी होती है उसमें रिसिमोस इन्फ्रोसेंस होता है ये वहाँ नहीं होगा थर्ड इसका क्लियर आंसर बनता है नेक्स्ट चलते हैं दीज डू नॉट अराइज फ्रॉम रेडिकल ऐसा क्या है जो रेडिकल से अराइज नहीं होता दे प्रोवाइड सपोर्ट सपोर्ट में आपने दे देखा होगा मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं पिलर रूट की फॉर्म में आपके बरगद के अंदर पाए जाते हैं जिन्हें हम प्रॉप रूट्स कहते हैं स्टिल्ट रूट कहते हैं मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं एनकरेज ये तो करेंगे सभी रूट्स का करेक्टर है ना तो ये कही कहीं ना कहीं स्टैम नहीं होगा क्योंकि सम प्लांट देखो है ना तो कहीं ना कहीं आ, सब सम प्लांट इन्होंने क्यों कह दिया सम प्लांट का मतलब है कि स्टैम तो नहीं है स्टैम में तो मोस्टली में स्टैम तो हो ही गई फाइब्रस रूट नहीं है है ना एडवेंटि रूट आंसर जा रहा है डाइकॉट रूट तो नहीं है ग्रुप ऑफ प्लांट इंक्लूड ऑर्नामेंटल ऑर्नामेंटल में कौन होगा है ना ट्यूलिप है लेकिन सन सनहम्प नहीं है इससे फाइबर मिलेंगे आपको है ना ल्यूपिन है पेटोनिया भी है ग्लोरियोसा भी है यहाँ पर ट्यूलिप लिपिन अश्वगंधा मेडिसिनल हो गया है ना सोलिडम नाइगरम इंडिगो पेराडाई बनाएगा अपने लिए करेक्ट आंसर सेकेंड बनता हूँ नजर आ रहा है ठीक है सेकेंड नेक्स्ट मेंबर ऑफ फैमिली में कंटेन द कैप्सूल एंड बेरी बेरी कैप्सूल किसमें होंगे फर्स्ट आंसर बन रहा है नेक्स्ट ये फॉर्मूला देखो इस पर पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है क्योंकि ये एक ऐसी स्टडी है जो एन में है और है भी नहीं ब्रेसी कैसी फैमिली अथोड़ा तरीके से एन ने तुम्हें तो तीन फैमिली पढ़ाई है पढ़ाई है सोलनेसी uh, uh, इसके बाद में आपकी फॉबेसी और लिलिय

वट फ्लावर लिली 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 मतलब लिली एसी लिली एसी में आपके कोरोला कैलेक्स जो है एक ही फॉर्म में होते हैं मीन्स वो पेरियंथ के फॉर्म में होते हैं इसीलिए आपका आंसर जाएगा फोर्थ क्लियर नेक्स्ट चलते हैं कॉलम मैच करना है लिलियसी ग्लोरियोसा कॉल्चिन परसिस्टेंट है ना बाई कारपलरी यहाँ ट्राई होगी तो यही आपके लिए बाई में भी जा रहा है ट्राई कार्पलरी के मतलब है कि ये आपके लिए यहाँ आ रहा है एपिपेडेलस एपिपेडेलस आपका सोलिनिजी का करेक्टर हो रहा है है ना तो आप किसी को भी मैच कर लो आप ए को ही ले लो ए में आपका जा रहा है थर्ड फोर्थ एंड सिक्स थर्ड फोर्थ सिक्स कहाँ है थर्ड फोर्थ थर्ड सिक्स ये रहा है ना इसके बाद में वन सेकेंड एंड फिफ्थ अपने is an of lateral meristem lateral meristem में कौन है Phelosan, pheloderm. Pheloderm नहीं होगी ये से आप रख सकते हो सेकेंड इसका करेक्ट आंसर बन जाता है वेन वन बोर्ड इज लाइटर इन कलर लाइटर कलर उसका कलर बहुत कम है लाइटर कलर है विथ ई लोअर डेंसिटी डेंसिटी भी कम है अदर बोर्ड डार्कर विथ द हायर डेंसिटी दे आर क्या है पहले तो स्प्रिंग होगी फिर आपकी ऑटम बोर्ड हो जाएगी क्लियर फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर बनता है

देख लेते हैं द्विवीज पत्र चरण में सम्मान पुलिस आदि दारुक होते हैं देखो थोड़ा सा टर्मोलॉजी इंग्लिश में भी पढ़ना क्योंकि हिंदी की टर्मोलॉजी बड़ी खतरनाक होती है ना इसे थोड़ा सा ध्यान रखना है टिपिकल हिंदी के चक्कर में दिक्कत में आ जाओ कहा जाता है कि इन्हें ड्राई फॉट रूट बंडल आर कोलेट्रल एंड एंड डार्क देखो रूट में एग्जैक्ट होते हैं तो ये यहाँ गलत हो गया द इनर मोस्ट लेयर ऑफ़ द कॉर्टेक्स इन डायकॉर्ड रूट इज एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस सही है है ना इनर मोस्ट लेयर हो जाएगी cortex के। इन डायकॉट रूट द फ्लोयम मैसेज आर द सेपरेटेड फ्रॉम द बाय द पेरेंट टिश्यू कॉल्ड द कंजक्टिव टिश्यू ये भी सही है फर्स्ट हो रहा है इनकरेक्ट और सेकेंड थर्ड करेक्ट यानी कि थर्ड अपने लिख दिए आंसर बनता है नेक्स्ट लीव फ्रॉम फ्रॉमॉर्ट लीव इन किसके बेसिस पर है ना नाशियट पैरल वेनेशन नो पैरल मोनोकॉट का करेक्टर है डिफरेंशियट इन पैलिस देखो पैलिस करेक्टर है आपका डाइकॉट रोड का मोनोकॉट की रोट में पैलिसड स्पॉन्जी में मिजोफिल डिफरेंशिएट नहीं होता और कुछ बनने की पॉसिबिलिटी कम है ना सिमिलर करैक्टर हो जाएगा ये सिमिलर हो जाएगा है ना डिफरेंस तो, तो सेकेंडरी बहुत परफेक्टली बन रहा है सिलेक्ट राइट स्टेटमेंट के बिन मिलो मोस्टली सेकेंडरी ग्रोथ परफॉर्म कैम्बियम आर प्राइमरी कैम्बियम ऐसा नहीं होता पैरी साइकिल पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ बेस्ट कैम्बियम इन डाइकॉर्ड रूट है विद द पैरेंट ये बात सही हो रही है तो आपको राइट right सेलेक्ट करना है तो एक तरीके से ये जा रहा है सिंपल जाइलम पैरिन कैमा परफॉर्म द कंडक्शन ऑफ वाटर मिनरल फ्रॉम पिथ टू कोर्टेक्स सिंपल जाइलम पेरिन कैमा अच्छा जी रे जाइलम पैरिन कैमा टेक पार्ट इन टाइलासिस फॉर्मेशन रे नहीं करते कंडक्शन रे करता है ये गलत हो गया है ना ये भी गलत हो गया आपके लिए सेकेंड करेक्ट आंसर बन ऑल द करेक्टर्स ऑफ हार्ड बोर्ड एक्सेप्ट हार्ड बोर्ड में क्या है प्रजेंस ऑफ टाइल मे बी देखो टाइलोसिस पर अच्छा सा क्वेश्चन आजकल बना देते हैं कहा जाता है कि ये है पैन इन काल्स ये यहाँ पर बॉर्डर पिट के जरिए ऐसे बलून लाइक -like स्ट्रक्चर इस ल्यूमैन के अंदर बनाते हैं इसी को टायलोसिस हम कहा जाता है प्रेजेंस ऑफर प्रजेंस ऑफ टे सही है ये भी सही है इन कमरशियल ऑफ टम्बर सही है एक्टिवली कंडक्शन नहीं होता है ना तो ये गलत हो रहा है Fourth इसका answer, है है बल्कि होती कैसी होती है इनएक्टिव नेक्स्ट राइट एंड रॉन्ग स्टेटमेंट बिलो क्लियर द लीफ देखो ग्राउंड एंड वैस्कुलर टिश्यू इज नॉन एज ग्राउंड टिश्यू तो सही बात है मीजो फिल ऐसा है कॉर्डेक्स रीजन ऑफ द रूट इज डिफरेंशियटेड इन क्लियर थ्री रीजन है ना कॉर्डेक्स रीजन जो होता है ना वो तीन रीजन में रूट में डिफरेंशिएट होता है गलत हो गया एंडोडर्मिस ऑफ द डायकॉड रूट लैक ऑफ कैसपिन स्ट्रिप डायकॉड स्टेम में कैस्पिन स्ट्रिप नहीं होती है वहां पर एक्चुअली क्या होता है स्टार्च की सीथ होती है एंडोडर्मिस ऑफ मोनोकॉर्ड स्टैम कंटेनर स्टार सीथ इन देयर देखो मोनोकॉर्ड स्टेम में तो एंडोडर्मिस ही नहीं होती ना तो ए सी करेक्ट है और बी डी रॉन्ग है इनकरेक्ट है ठीक है जी फोर्थ करेक्ट आंसर बन रहा है उम्मीद करते हैं ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी नो डाउट है ना ओके नोके नमस्कार साथियों स्वागत है आपका आज के इस ऑनलाइन टेस्ट सॉल्यूशन के अंदर माय सेल्फ ललित सोनी टीम बोटनी सीएलसी सीकर आज बच्चों हम लोग सॉल्यूशन करने जा रहे हैं पार्ट टेस्ट सेकंड के अंदर जो प्लांट फिजियोलॉजी वाला पोर्शन है इस पोर्शन के अंदर हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे और हमारे जो टॉपिक इसमें है जिनका मैं आपको सोल्यूशन कराऊंगा वो टॉपिक है रेस्पिरेशन

सबसे पहले आपको पता है कि जो पृष्ठले है उसने यह कहा था कि पृष्ठले के सेटअप के अंदर जो कैंडल है वो ऑन रहती है माउस एग्जिस्ट करता है सरवाइव करता है जब उसके अंदर ग्रीन प्लांट हो फिर उस पृष्ठले के सेटअप को इंजन होस ने क्या किया था एक बार रखा था लाइट की प्रेजेंस में और एक बार रखा था लाइट की अपसेंस में जैसे ही उस सेटअप को लाइट की प्रेजेंस में रखा तो वो जो सेटअप था पूरा का पूरा एक्टिव रहा था लेकिन जब उस सेटअप को लाइट की अपसेंस में रखा या मैं कहूं रात में रखा तो रात को प्लांट ने फोटोसिंथेसिस नहीं किया तो ऑटू गेट गैस प्रोड्यूस नहीं हुई और ऑटो गैस अगर प्रोड्यूस नहीं हुई तो फिर बिना ऑटो के कैंडल जो थी वह आप कह सकते हैं ऑफ हो गई और जो माउस था वो डेड हो गया तो पृष्ठले का सेटअप जो है वो एक्टिव तभी रहता है जब वो लाइट की प्रेजेंस में हो इसका मतलब यह है कि लाइट इज नेसेसरी लाइट इज एसेंशियल लाइट इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस इसके अलावा उसने क्या देखा कि जो एक्वाटिक प्लांट था जो वॉटर के अंदर प्लांट प्रेजेंट था उस प्लांट के अंदर जो ग्रीन पार्ट है वहां से बबल्स क्रिएट होते हैं वहां से ऑक्सीजन निकलती है जो पार्ट ग्रीन नहीं है वहां से बबल्स नहीं निकलते वहां से ओटू गैस प्रोड्यूस नहीं होती कहां से आती है फोटोसिंथेसिस से आती है। तो आप कह सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस वहीं पे होगा जहां पे ग्रीन पार्ट होगा। जो नॉन ग्रीन पार्ट है बच्चों वहां पे फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो वहां से ओटो नहीं निकलेगी वहां कोई बबल्स नहीं आएगा तो इसका जो बच्चों करेक्ट आंसर था वो कौन सा था ऑप्शन नंबर फोर्थ आओ आगे देखते हैं इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों एनसीआर बेस्ट ये क्वेश्चन था आप लोगों के लिए ठीक है आगे देखते हैं पूरा पेपर एनसीआर बेस्ट है नीट पैटर्न पर है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 कौन सी एक प्रकाश संश्लेषण की सही संक्षिप्त समीकरण है विच वन इज द करेक्ट समरी इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस तो पता आपने को कि फोटोसिंथेसिस के अंदर सिक्स सीओ यूज़ यूज़ होते होते हैं हैं और 12 H2O यूज होते हैं। तो देखो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि यहाँ तो ग्लूकोज को काम में लिया गया तो गलत हो गया नहीं नहीं से हाँ, प्रोड्यूस जो है उसे वो प्रोड्यूस करते हैं तो बताइए इसका बच्चों करेक्ट आंसर कौन सा हो गया

आपको पता है एनसीईआरटी में आपको ऐसा ग्राफ दे रखा है उसी ग्राफ को हमने थोड़ा सा मॉडिफाई करके आपको एक क्वेश्चन दिया है फ्रेम करके ओके इस क्वेश्चन में आप बच्चों आराम से देख सकते हैं चार ग्राफ है इसमें सबसे पहले आपको पहचाना स्पेक्ट्रा कौन सा है और एब्जॉर्न स्पेक्ट्रा कौन सा है को पता है वो इसमें आ जाएगा। देखो, ग्राफ, आपको पास में एक्शन स्पेक्ट्रम का ग्राफ है एनसीआर आप फोकस किया है तो देखो यहाँ पे ब्लू और रेड लाइट जो है इसमें सबसे ज्यादा क्या है फोटोसिंथेसिस हो रहा है इसका मतलब ये एक्शन स्पेक्ट्रम हो गया अब आपको पहचानना है स्पेक्ट्रा ए, बी और का तो सबसे इजी ये है कि आप का जो स्पेक्ट्रा है उसको पहचान लो और की खास बात क्या है कि जो होगा वो केरोटेनोइड बाद वाली वेवलेंथ को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा उसका काफी आप कह सकते छोटा रेंज होगा तो आप देख सकते इसमें ग्राफ थ्री जो है ये बच्चों यहां पर केरोटेनोइ का ग्राफ होगा देखो बाद वाली ये रेंज को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा एनसीआरटी में डायग्राम देखा होगा ग्राफ देखा होगा अब रही बात सर ए और बी इसको हम कैसे फचाने? तो सिंपल सा फंडा है एनसीआरटी में दे रखा है याद रखना क्लोरोफिल ए जो है वो रेड लाइट को ज्यादा एब्जॉर्ब करता है रेड लाइट कहां पे आती है 700 के आसपास आती है तो देखो यहां पे 700 के आसपास पीक यहां पर है और यहां पे 700 के आसपास पीक यहां पर है तो ज्यादा ऊपर पी किसका है इसका है इसका मतलब यहां पर किसका है एक क्लोरोफिल ए का तो क्लोरोफिल ए का कौन सा हो गया फर्स्ट और क्लोरोफिल बी का कौन सा हो गया फोर तो आप कह सकते हैं ए का फर्स्ट बी का फोर करेक्ट आंसर बच्चों यहां पे कौन सा हो गया फर्स्ट ऑप्शन हो गया इसके बाद नेक्स्ट अपन आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55 एक स्वच्छ जलीय पादप के प्रकाश संश्लेषण की दर

अगर आप यहाँ पे कंडीशन देखें और सबसे कम जो फोटोसिंथेसिस वो कौन से लाइट के अंदर होता है आप कह सकते हैं ग्रीन लाइट में होता है क्यों होता है क्योंकि ग्रीन लाइट जो है भाई आपको प्लांट की लीफ ग्रीन दिखाई क्यों देती है क्योंकि वो जो लीफ है वो ग्रीन लाइट को वापस से रिफ्लेक्ट कर देगी तो ग्रीन लाइट का एब्जॉर्न ही बहुत कम हो पाएगा क्योंकि तो ऑलमोस्ट जो ग्रीन लाइट है उसका तो रिफ्लेक्शन हो जाएगा तो ग्रीन लाइट में सबसे कम क्या होता है फोटो सिंथेसिस होगा तो देखो आप यहां पे चारों आपको ऑप्शन पे दिख रहे हैं ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें ग्रीन लाइट जो है उसको हम यहां पर स्मोलेस्ट दिखा रहे हैं तो आप देख सकते हैं ये फोर्थ ऑप्शन यहां ग्रीन लाइट है यहां सबसे कम क्या होगा फोटोसिंथेसिस होगा और बच्चों मैक्सिमम किस किसमें होता है पता है अपने को रेड एंड ब्लू में होता है ब्लू में भी ज्यादा होता है रेड में भी ज्यादा होता है पर कंपैरेटिवली ज्यादा किस में होता है रेड में होता है तो आप यहां पे कह सकते हैं कि आंसर इसका कौन सा हो गया फोर हो गया नेक्स्ट इसके बाद 56 CO2 के ग्लूकोज में परिवर्तित होने की दर तथा पत्ती पर आपतित प्रकाश की तरंगदैर्ध्य के मध्य खींचा गया आरए कहलाता है ए ग्राफ दैट प्लॉट द रेट एट व्हिच CO2 इज

ज दैट क्लियर ओके आगे चलते इसके बाद में नेक्स्ट फिफ्टी सेवन द लाइट हार्वेस्टिंग किसका बना होता है तो अपने को पता है कि जो इस तरीके से बच्चों यहां पर डायग्राम बना सकते हैं ये फोटो सिस्टम आप देख रहे हैं, ये फोटो सिस्टम ये यह यहां पे होता है आपके सामने क्या रिएक्शन सेंटर ये यहां पे है कोर पिगमेंट ये यह पर क्या होते हैं एंटीना पिगमेंट कोर और एंटीना पिगमेंट को आप मिला के क्या बोलते हो एल कहते हो और बताओ कंप्लीट डायग्राम किसका होता है पीएस का होता है फोटो सिस्टम का होगा तो फोटो सिस्टम में से बस आप रिएक्शन सेंटर को निकाल दो तो जो बच गया वो क्या है एलएससी है तो वन मोलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए नो

पिगमेंट्स हुआ करते हैं ठीक है क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल सी प्रोटीन ठीक है डीएनए, नो 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 डीएनए यहाँ पे नहीं होगा तो करेक्ट आंसर बताओ यहां पे कौन सा हो गया आपके सामने फिफ्टी सेवन में करेक्ट आंसर यहाँ पे कौन सा हो गया थर्ड ऑप्शन हो गया आगे देखते फिफ्टी 58 निम्न में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशी क्रिया का उत्पाद नहीं है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस तो याद रखना लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट कौन सा नहीं है आओ देखते हैं O2, O2 इसका बिल्कुल है ATP और NADPH2 ये भी आप कह सकते हैं उच्च ऊर्जा युक्त इलेक्ट्रॉन ये भी यहां पे है हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन है शुगर शुगर जो है वो लाइट रिएक्शन में नहीं बनती बल्कि बनती है डार्क रिएक्शन में तो यहाँ पे करेक्ट आंसर कौन सा हो 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 गया आपका। हो गया आपका फोर्थ ऑप्शन क्योंकि जो जो ये देखो आप जो तीनों जो देख रहे ओटू ये वोटर के फोटो, फोटोलाइसिस से रिलेटेड है और वोटर का फोटोलाइसिस किससे होता है पीएस सेकंड से और चाहे तो पीएस सेकंड हो चाहे पीएस फर्स्ट हो बताओ दोनों का रोल किसमें है आप कह सकते हैं लाइट रिएक्शन के अंदर है एटीपी और हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन ये सब भी किस में आते हैं साइक्लिक लाइट रिएक्शन नॉन साइक्लिक लाइट रिएक्शन में आते हैं तो इसका आंसर कौन सा हो गया फोर्थ ऑप्शन हो गया इसके बाद नेक्स्ट पे क्वेश्चन अपना है यदि प्रकाश संश्लेषित हरी सेवाल को एच टू दिया जाता है बाद में विश्लेषण पर यह पाया गया कि शेवाल द्वारा निर्मित निम्नांकित कौन सा एक ओ अठारह युक्त होगा अगर आपने एच टू ओ के अंदर ओ अटारा डाला तो अपने को पता है एच टू ओ टूटता है एच में और ओ में वो जो अपने पास में ऑक्सीजन है वो विमुक्त गैस के रूप में इन द फॉर्म ऑफ रिलीज गैस बाहर निकल जाती है तो आप यहां पे कह सकते हैं इसके अंदर अगर हम कंडीशन देखें तो आप क्या कहेंगे H2O18 अगर आपने दिया है तो हाइड्रोजन किसके पास जाएगा सीओ टू के पास में जाएगा और ऑक्सीजन जो है वो बाहर निकल जाएगी तो ये जो ओटू है बताओ इसके अंदर क्या आएगा ओ एटीन तो करेक्ट आंसर इसका कौन सा हो गया फोर्थ ऑप्शन हो गया नेक्स्ट इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्सटी प्रकाश संश्लेषण की दर किससे स्वतंत्र होती है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंडिपेंडेंट ऑफ तो आप देख सकते हैं प्रकाश संश्लेषण की फोटोसिंथेसिस की रेट की बात हुई है तो याद रखना फोटोसिंथेसिस की रेट जो है वो क्वालिटी ऑफ लाइट पर डिपेंड करेगी रेड लाइट में ज्यादा होती है ब्लू लाइट में ज्यादा होती है ग्रीन लाइट में सबसे कम होती है इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर डिपेंड करेगी अगर मान लो लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा है दो पर के अंदर लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा होती है तो फोटोसिंथेसिस सिंथेसिस भी क्या होता है फास्ट होता है मॉर्निंग में और इवनिंग में लाइट की इंटेंसिटी कम होती है तो फोटोसिंथेसिस भी कम होगा ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर टू लाइट ये नहीं होगा अगर आपको ये कहा जाए कि लाइट दो घंटे के लिए आ रही है और लाइट दस घंटे के लिए आ रही है तो टू आवर में फोटोसिंथेसिस कम होगा और टेन आवर में ज्यादा होगा लेकिन जिस रेट से फोटोसिंथेसिस चल रहा है वो तो कॉन्स्टेंट रही मान लो दो घंटे के अंदर फूड बना टू के जी दस घंटे में फूड बना जस्ट एग्जाम्पल में जस्ट एग्जाम्पल दस के जी तो रेट क्या है वन के जी पर आर तो अपन कह सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस की जो रेट है वो ड्यूरेशन पर डिपेंड नहीं करती है रेट तो कांस्टेंट रहती है ठीक है अगर ये सब कांस्टेंट है तो तो आंसर यहां पे हो गया अपना थर्ड ऑप्शन 60 में नेक्स्ट हरित लवक में रसो परासरणी प्रक्रिया से प्रकाश आधारित प्रक्रियाओं में प्रकाशिक ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है निम्न में से कौन से कथन इस क्रिया के बारे में असत्य है अगर आप क्वेश्चन नंबर सिक्सटी वन की बच्चों बात अपन यहां पे करें तो मेरे ख्याल से आप बात समझे होंगे आगे देखिए इसके अंदर क्वेश्चन नंबर कौन सा आइए सिक्सटी वन याद रखना 61 नंबर क्वेश्चन की बात अपन यहां पे करें तो आप कह सकते हैं ड्यूरिंग लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड टू केमिकल पोटेंशियल एनर्जी थ्रू द प्रोसेस ऑफ केमियोस्मोसिस इन द क्लोरोप्लास्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट दिस प्रोसेस इज फॉल्स तो अब अपने को यहां पर जो बच्चों लाइट रिएक्शन है उसके बारे में आंसर इसका बताना है ठीक है आओ देखते हैं द इलेक्ट्रॉन कैरियर्स ऑफ उसकोइड तो की मेमब्रेन उस के अंदर ही क्या चलती है लाइट रिएक्शन चलती है तो बताओ सारे के सारे केरियर भी कहां पर होंगे उस मेम्रेन के अंदर ही होंगे ड्यूरिंग फोर्पोराइलेशन द कोरोप्लास्ट स्ट्रोमा बिकम मोर एसिडिक The of हो जाएगी ज्यादा यह बोल रहा है स्ट्रोमा जो है उसकी पीएच मोर एसिडिक स्ट्रोमा की नहीं ल्यूमन की पीएच मोर एसिडिक होगी तो यहां पर रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया प्रोटोन डिफ्यूज थ्रू द प्रोटीन चैनल विच आर एटीपी सिंथेटेस मॉलिक्यूल बिल्कुल जब प्रोटॉन जो आप कह सकते हैं एफ नॉट एफ वन पार्टिकल से बाहर निकलेंगे तो एटीपी का फॉर्मेशन होगा एटीपी इज फॉर्म्ड फ्रॉम एडीपी प्लस पीआई ऑन द स्ट्रोमा साइड ऑफ द थाइलेकोइड इन द क्लोरोप्लास्ट बिल्कुल आपको पता है कि यहां पे जो एफ नॉट पार्टिकल है यहां पे फॉर्मेशन किसका होता है एटीपी का ड्यूरिंग फोस्पोराशन वोटर आयोनाइज टू फ्रोम एच प्लस प्लस टू एच माइनस येक्ट्रॉन टू पी एच सेकेंड बिल्कुल अपन कह सकते हैं कि जो पी एच सेकेंड है उस पी एच सेकेंड के पास में क्या आएगा वोटर जो है उसकी स्प्लिटिंग होती है वोटर का आयोनाइजेशन होता है तो इलेक्ट्रॉन कहा चले जाते हैं पीएस सेकंड के पास दिखाने इसमें फोस्पोरीकरण के दौरान जल आयनीकृत होगा एच प्लस प्लस टू एच माइनस तथा पी एच सेकेंड हेतु एक इलेक्ट्रॉन बनाता है कब अगर आप यहां पे कह सकते हो एच टू काम आता है तब तो, ठीक है आप तो अपन बताओ इसमें गलत स्टेटमेंट कौन सा हो गया बच्चों गलत स्टेटमेंट यहाँ पे हो गया सिर्फ सेकंड। तो आंसर यहाँ पे कौन सा हो गया देखिए आपके सामने सिक्सटी वन में सेकंड ऑप्शन जो है अपन इसके अंदर आंसर दे देंगे ठीक है आगे देखते हैं सिक्सटी टू प्रकाश संश्लेषण की जैव संश्लेषित अवस्था को आवश्यकता होती है बायोसिंथेटिक फेज ऑफ़ फोटोसिंथेसिस तो नीड। बायोसिंथेटिक फेज का मतलब होता है डार्क रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो डार्क रिएक्शन में क्या क्या चाहिए होता है बच्चों तो डार्क रिएक्शन में लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट चाहिए होता है तो आप कह सकते हैं कि लाइट रिएक्शन में क्या बनता है आप कह सकते हैं कि एटीपी और एनडीपी टू ये भी चाहिए ठीक है डार्क रिएक्शन के लिए बाहर से CO2 भी चाहिए होता है और आप कह सकते हैं बच्चों यहां H2O जो है वो भी चाहिए होता है क्या ओनली CO2 चाहिए नो no. ओनली ATP चाहिए नहीं ये यह सब यहाँ पे चाहिए तो आंसर यहाँ पे हो गया 62 के अंदर 1 समझ गए बात को ये अपने सामने कंडीशन है आगे देखें ठीक है आओ आगे देखते इसके बाद में 63 केल्विन चक्र निम्न में से कौन सी घटना को प्रदर्शित करता है केल्विन साइकिल ऑफ़ द फॉलोइंग फेनोमेना। ऑक्सीडेटिव कार्बोक्सिलेशन क्या इसमें ऑक्सीडेशन भी होता है और कार्बोक्सिलेशन भी होता है बिल्कुल याद रखना इसमें आप कह सकते हैं कि जो एनएडीएस टू है वो एनएडीएस टू कंज्यूम होगा एनएडीएस टू चेंज किस में हो गया NAD में और हाइड्रोजन में वो हाइड्रोजन रिएक्शन कहा करते हैं केल्विन साइकल के अंदर तो हाइड्रोजन का आना बिल्कुल हाइड्रोजन का आना क्या हो गया? हो गया लेकिन क्या है? तो आप कह कि ये हो गया रिडक्शन लेकिन यहां पर पर टीपी जो है वो ए का फॉर्मेशन होगा देखें

केल्विन चक्र में होता है केल्विन साइकिल में होता है तो आप कह सकते हैं इसमें देखो वो क्वेश्चन जो है थोड़ा सा अलग ऑप्शन वाला था अब यहाँ अलग ऑप्शन है केल्विन साइकिल में क्या होता है कार्बोक्सिलेशन होता है या रिजनरेशन होता है ऑक्सीजनेशन होता है रिजनरेशन होता है रिडक्शन होता है ऑक्सीजेशन होता है या कार्बोक्सिलेशन रिडक्शन ये तीनों होते हैं बिल्कुल तो आपको पता होना चाहिए ये तीनों इसमें है तो आंसर यहाँ पे हो गया फोर्थ ऑप्शन सिक्सटी निम्न में से कौन सा अनुपात केल्विन चक्र के चक्रों में एक मोल ग्लूकोज के उत्पादन के लिए सही है ऑफ द द फॉलोइंग रेशियो इज करेक्ट फॉर प्रोडक्शन ऑफ मोलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज थ्रू राउंड ऑफ केल्विन साइकिल अगर एक बार केल्विन साइकिल चलेगा तो एक सीओ टू की एंट्री होती है लेकिन छह बार चलेगा तो बताओ सीओ टू कितने चाहिए अपने को छ चाहिए एक केल्विन साइकिल के अंदर तीन ए कंज्यूम होते हैं तो छ में कितने हो गए 18 हो गए 18 हो गए एक केल्विन साइकिल में याद करो रिडक्शन में दो एनडीपीएच तो काम आते हैं। तो आपको यहाँ पे 12 एनडीपीएच2 की रिक्वायरमेंट है तो आंसर यहाँ पे कौन सा हो गया सेकंड ऑप्शन हो गया तो 65 को देखिए आप 65 बच्चों आंसर यहां पे हम कौन सा देंगे सेकंड ऑप्शन अपने इसका इसका दे देंगे ओके okay? आगे देखते हैं इसके बाद में 66 नंबर क्वेश्चन यहीं पे है व्हिच वन इज करेक्ट फॉर सी4 प्लांट ओके okay. कौन सा एक C4 पादप के लिए सही है तो C4 प्लांट के अंदर थोड़ा बताना चाहूंगा आपको C4 साइकिल आपको याद करनी है सबसे पहले उसमें दे रखा है मिजोफिल सेल उसके बाद इसमें दे रखा है बंडल सीट सेल मिजोफिल में पैपकेज होता है ठीक है रूबिस को नहीं होता पैपकेज होता है और सी साइकिल चलेगा केलविन साइकिल सी थ्री साइकिल कहां चलता है

स्टोमेटा लेंटिकल्स पोरिन या वन एंड टू तो स्टोमेटा जो है वो आप कह सकते हैं गैस एक्सचेंज के लिए रेस्पॉन्सिबल है इनसे ट्रांसप्रेशन भी होता है लेंटिकल भी गैस एक्सचेंज करते हैं ट्रांसप्रेशन करते हैं पोरिन प्रोटीन जो है उसका कोई मतलब नहीं है गैस एक्सचेंज से आंसर बच्चों यहाँ पे कौन सा हो गया फोर्थ ऑप्शन हो गया नेक्स्ट सिक्सटी सही का चयन कीजिए चूज द करेक्ट ऑप्शन आर क्यू

आप कह सकते हैं इसमें ठीक है कंज्यूम नहीं होता ही है तो आंसर यहाँ पे सारे स्टेटमेंट है तो आंसर यहाँ पे कौन सा हो गया फोर्थ तो ऑप्शन हो गया नेक्स्ट के बाद में कंडीशन देखें तो आप देखो सेवेंटी थ्री फोर्स के ग्लाइकोलाइसिस में ऑक्सीकरण के दौरान मुक्त हाइड्रोजन परमाणुओं तथा इलेक्ट्रॉन आयनों का क्या होता है जो इस क्रिया के दौरान मुक्त होते हैं थ्री पीजी थ्री इज ऑक्सीडाइज ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस, इलेक्ट्रॉन दट आर रिमूव ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेवनटी के अंदर थोड़ा सा आपको ये पता होना चाहिए कि बच्चों ग्लाइकोलाइसिस जो है हमने वहां से क्वेश्चन लिया है क्वेश्चन कहाँ से लिया है ग्लाइकोलाइसिस से लिया है देखिए आप सेवेंटी के अंदर सबसे पहली बात इसमें जो आपको जानकनी है वो ये है कि थ्री फोर्सियर आता कहां पर है तो याद रखना थ्री पीजीएल से बनता है थ्री पीजीए हाइड्रोजन बाहर निकलता है और वो जो हाइड्रोजन बाहर निकलेगा उस हाइड्रोजन को आप क्या कह सकते हैं एनएडी लेता है और एनएडीएस टू में चेंज हो जाता है देखते हैं दे रिड्यूस एनएडी दे ऑक्सीडाइज एनएडी दे आर ट्रांसफर तो C3 H4 O3 दे कम आउट इमीडिएटली इन द फॉर्म ऑफ H2O देखें बच्चों क्वेश्चन नंबर 70 जो है आप इसमें कह सकते हैं कि वो जो हाइड्रोजन निकलते हैं वो NAD उसको कैप्चर कर लेता है तो NADS तो का फॉर्मेशन हो गया तो वो हाइड्रोजन क्या करते हैं NAD के साथ रिएक्शन करते हैं और NAD के साथ रिएक्शन करने का मतलब क्या है रिडक्शन हो गया तो आंसर यहां पे हो गया फर्स्ट ऑप्शन इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं ग्लाइकोलाइसिस ग्लाइकोलाइसिस है प्रेजेंट इन ऑल लिविंग सेल्स सभी जीवित कोशिकाओं में उपस्थित होता है बिल्कुल सही बात है ग्लूकोस आंशिक ऑक्सीकरण से पारिक अम्ल के दो अणु बनते हैं तथा नेट दो एटीपी की प्राप्ति होती है कोस पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोस to form two molecules of pyruvic acid and two ATP net gain. बच्चों ATP वैसे टोटल चार बनते हैं पर दो कंज्यूम हो गए तो नेट अपने पास कितने बचे दो दो पदों पर, पर ATP का यूज होता है यूज टू ATP एट टू स्टेप तो सारे स्टेटमेंट यहां पे सही आंसर यहां पे कौन सा हो गया फोर आपके सामने 72 ग्लाइकोलाइसिस के दौरान ऊर्जा उपयोगी खंड में एटीपी का फोस्पेट अणु ड्यूरिंग द एन, एनर्जी

उसके बाद जब एटीपी यूज होगा तो वो कहां जाएगा ग्लुकोज से उसके बाद फेक्टोट तो कहां पे आएगा वन पे आएगा तो आप कह सकते हैं कि एडे टू फर्स्ट एंड सिक्स कार्बन देखिए फर्स्ट एंड सिक्स कार्बन पे जाएगा तो आंसर आप यहां पे कौन सा दोगे सेवेंटी टू के अंदर फर्स्ट ऑप्शन देंगे आगे देखें वह कोशिकीय उपापसी क्रिया जो ओटो की उपस्थिति और अनुपस्थिति में पाई जा सकती है विच ऑफ द फॉलोइंग सेलोर मेटाबोलिक प्रोसेस कैन अकर इन द प्रेजेंस और ऑफ तो देखो बच्चों फर्मेंटेशन जो है आप कह सकते हैं कि मेनली ऑटो ओटू की आप कह सकते हैं किसमें होता है प्रेजेंस में होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी ऑटो की प्रेजेंस में बटो तो ग्लाइकोलाइसिस जो है आप कह सकते हैं ग्लाइकोलाइसिस जो वो यहां पे आप क्या कह सकते हैं कि ऑटो की, की प्रेजेंस में होता है

तो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कहां पे होगी तो आप कह सकते हैं कि जब एसिटेल से एथेनॉल बनेगा तो यहां पे एनएडीएच टू का कंजप्शन होता है और वो एनएडीएस टू क्या करेगा इसके अंदर आप कह सकते हैं कि वो जो एनएडीएच टू है वो अपने हाइड्रोजन देगा और वो हाइड्रोजन के रिएक्शन किससे करेंगे एसिड से और फॉर्मेशन किसका होगा एथेनॉल का होगा हो तो ये एक ऐसी प्रोसेस आपने देखी है जिसमें एन ए डी एच टू का कंजप्शन होगा इसका मतलब यहां पे क्या हो गया रिडक्शन हो गया तो आंसर बच्चों यहां पे हो गया फोर्थ ऑप्शन

तीन तो अपने पास में बनते हैं NADH2 वन यहां पे फॉर्मेशन किसका होगा FADH2 का और एक फॉर्मेशन यहां पे किसका होता है GTP का जिससे कन्वर्ट को किस हो जाएगा ATP के अंदर तो यहां पे अपने को प्रत्यक्ष रूप से पूछ रहा है अपने को यहां पे डायरेक्टली क्वेश्चन पुट अप हुआ है तो आप उस कंडीशन में सिर्फ ATP को ही कंसीडर करोगे न कि NADH2 को और FADH2 को तो एक रेप साइकिल में बनता है एक ATP तो अगर मान लो दो एसिटाइल को एंजाइम ए है तो क्रेप साइकिल दो बार चलेगा तो बताओ यहाँ एटीपी कितने बन जाएंगे दो बन जाएंगे तो बच्चों करेक्ट आंसर यहां पे कौन सा हो गया फर्स्ट ऑप्शन हो गया नेक्स्ट इसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर सेवेंटी एट नेट गेन ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज ग्लूकोज के एक अणु द्वारा वायवीय श्वसन के दौरान कुल एटीपी का शुद्ध उत्पादन क्या है ठीक है यहां पे आपको नेट गेन पूछा है समझ को तो एटीपी की अगर आप नेट गेन की बात करो तो अपन कह सकते हैं कि यहां पर ए ग्लूकोज के मोलिक्यूल से 36 एटीपी जो है इसका फॉर्मेशन होता है एनसीआरटी के बच्चों यहां पर क्या है ये लाइन है आप कह सकते हैं इसके अंदर तो 77 में

नेट अपने को मिलते हैं अगर फर्मेंटेशन हो तो आपको पता है फर्मेंटेशन के अंदर सबसे पहले क्या होगा ग्लाइकोलाइसिस ग्लाइकोलाइसिस में दो बनेंगे और एटीपी और दो ही क्या बनेंगे एनएडीएस टू फिर ये दो एनएडीएस टू ग्लाइकोलाइसिस के बाद वापस कंज्यूम हो जाएंगे तो नेट अपने पास एटीपी जो कितने मिले आप कह सकते हैं यहां पर अपने को मिले हैं दो एटीपी करेक्ट आंसर इसका कितना हो गया दो हो गया ओके आंसर इसका दो गया नेक्स्ट इसके बाद में क्वेश्चन नंबर एटी श्वसनीय पथ है रेस्पिरेटरी होता है और एनाबोलिक भी होता है एक साथ क्या कह सकते हो एम्फीबोलिक तो श्वसन का जो पथ है वो अपन कह सकते कैसा हो गया एम्फीबोलिक प्रकार का हो गया जिसमें कैटाबोलिज्म भी आता है और जिसमें एनाबोलिज्म भी आता है नेक्स्ट इसके बाद में श्वसन मुख्यतः है रेस्पिरेशन इज मेनली तो देखो रेस्पिरेशन जो है आप कह सकते हैं वो कैटाबोलिक भी होता है एनाबोलिक भी होता है पर ज्यादा शोषण में क्या होता है कैटाबोलिज्म होता है ज्यादा पदार्थ टूटते हैं और ऊर्जा जो है वो बाहर निकलती है तो कैसा हो गया रेस्पिरेटरी रेस्पिरेशन इज मेनली एंड आप क्या कह सकते हैं इसके अंदर एक्सरगोनी कह सकते है। तो आंसर यहां पर कौन सा हो गया दूसरा हो गया इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट्टी की बात करें शोषण का कार्य है फंक्शन ऑफ रेस्पिरेशन इज टू तो देखो सवसन जो है वो सवसन क्यों होता है क्या हमें सवसन से एटीपी का निर्माण करना है यस yes. क्या हमें सवसन से एनएडीएस का निर्माण करना है देखो हमें सवसन से एनएडीएस का निर्माण तो करना है पर क्यों करना है क्योंकि एनएडीएस जो बनेगा ना वो ही कन्वर्ट किस में हो जाएगा एटीपी के अंदर नेट रिड ऑफ ग्लूकोज क्या ग्लूकोज को हटाने के लिए नहीं हमारा मकसद जो है वो ग्लूकोज को हटाना नहीं है हमारा मकसद बस ये है कि एटीपी का निर्माण हो जाए तो आंसर यहां पर हो गया मेक एटीपी ठीक है इसके अलावा गेट रिड ऑफ सीओटू क्या हम CO2 चाहते हैं नहीं तो ग्लूकोज जो है आप कह सकते हैं रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन में काम आएगा पर का मेन फंक्शन क्या है हम एटीपी का निर्माण कर पाए तो आंसर यहां पे हो गया आपका नंबर एक नेक्स्ट इसके बाद में है 83 नंबर क्वेश्चन पादपों में वृद्धि सामान्यतः अनिर्धारित होती है लेकिन यह निर्धारित है इन प्लांट ग्रोथ इज कॉमनली इनडिटर्मिनेट बट इट इज डिटर्मिनेट फॉर देखो प्लांट जो होते हैं बच्चों आप सबने पढ़ा है उसमें वृद्धि जो है वो जीवन पर्यंत होती है पादप में वृद्धि कैसी होती है अनिर्धारित हुआ करती है लेकिन जैसे हम आप कह सकते हैं रूट जो है अनलिमिटेड ग्रोथ करेगी शूट जो है अनलिमिटेड ग्रोथ करेगा ब्रांच जो है लंबा ग्रोथ करेगा लेकिन लीफ जो वा करती है आप कह सकते हैं उसकी एक फिक्स साइज हुआ करती है अपनी उस साइज में आने के बाद में लीफ क्या नहीं करेगी बच्चों ग्रोथ नहीं करेगी तो आप यहां पे कह सकते हैं कि जो लीफ वाला भाग है वो लीफ वाला भाग बेसिकली बच्चों क्या करेगा लिमिटेड ग्रोथ करेगा वो डिटर्मिनेंट ग्रोथ करेगा तो आंसर यहाँ पे हो गया फोर्थ अदरवाइज कॉमनली आप लोग क्या कहते हैं कि प्लांट की ग्रोथ कैसी होती है इनडिटर्मिनेट हुआ करती है अनिर्धारित प्रकार की होती है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84 नीचे दिया गया चित्र विभिन्न मार्गों के बीच संबंध प्रदर्शित कर रहा है तो इसमें ए से डी तक पहचानो द फॉलोइंग फिगर इंडिकेट द अमंग पाथवे नाउ आइडेंटिफाई ए टू डी तो देखो बच्चों पे अपने पास में इंटरटीफाईनसीआर का एक ये डायग्राम अपने यहाँ पर स्कैन किया है तो यहाँ पर देखो ए जो है ए वो है जो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में चेंज हो रहा है और फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कौन चेंज होता है तो आप कह सकते हैं अगर आपके पास में फैट है अगर अपने पास में क्या है फैट है तो फैट जो आकृति है वो फैट अपन कह सकते हैं कि चेंज किस में, फैटी में ग्लिसोल में, फिर ग्लिसोल की आप कह सकते हो यहां पर आता है थ्री पीजीएल के साथ में रिवर्सिबल है तो ग्लिसोल चेंज किसमें होगा डाइहाइड्रोक्सी एसिटोन फोसपेट में बी यहां पे हो गया डीएचए सी है वो जो एम्यून एसिड का फॉर्मेशन करता है और बताओ ये कौन हो सकता है प्रोटीन हो सकता है डी यहां पर है पायरुविक एसिड के आगे एसिटाइल को एंजाइम ए तो इस तरीके से यहां पर ए फैट को करता है बी यहां पर डीएचएपी है सी यहां पर प्रोटीन है और डी यहां पर है एसिटाइल को एंजाइम ए तो यहां पर अगर हम आंसर की बात करें तो अपना आंसर यहां पर हो जाएगा देख लीजिए आप ए तो यहां पर क्या था फैट बी क्या था डीएचएपी सी क्या था प्रोटीन डी था एचल में तो बताओ करेक्ट आंसर यहां पे कौन सा हो गया सेकंड ऑप्शन यहां पे करेक्ट आंसर है ओके लघु दिवसीय पादपों के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग शॉर्ट डे प्लांट ठीक है तो शॉर्ट डे प्लांट के लिए क्या स्टेटमेंट सही है दे फ्लॉर वेन नाइट लेंथ इज लॉन्गर ये शॉर्ट डे प्लांट है आप कह सकते हैं क्या चाहते हैं कि लाइट इनके लिए कम आए तो दिन इनके लिए क्या हो छोटा और रात इनके लिए क्या हो लंबी हो तो बिल्कुल आप कह सकते हैं दे फ्लावर नाइट लेंथ इज लॉन्गर आर सिमिलर टू नो ये बच्चों जो है अपन कह सकते हैं उसके सिमिलर नहीं है ये क्या नहीं उसके सिमिलर नहीं है क्योंकि ये तो एल डी पी अलग होते हैं इनको लॉन्ग डे चाहिए होता है इनको शॉर्ट डे चाहिए होता है दे डू नॉट हैव ए क्रिटिकल दे डो नॉट है क्रिटिकल फोटो पीरियड गलत ऑप्शन है ये बच्चों इनके लिए भी क्या होता है फोटो पीरियड होता है ठीक है पी एफ आर फॉर्म इज एक्टिव फॉर फ्लोरिंग पी एफ आर यहाँ पे नहीं आएगा पी आर आएगा पी मतलब फाइटोक्रोम रेड यहाँ पे आएगा तो करेक्ट आंसर बच्चों यहाँ पे 85 फाइव में आप कौन सा कर दोगे फर्स्ट ऑप्शन इसका कर दोगे फिर यहाँ पे है एट्टी नंबर क्वेश्चन देखते हैं अपन जिब्रेलिन बीजांकुरण प्रेरित कर सकते हैं क्योंकि because, जिब्रेलिन कैन प्रमोट सीड जर्मिनेशन बिकॉज देखें जिब्रेलिन यहां पर जो है इसका बच्चों अपने सामने क्वेश्चन है ठीक है तो जैसे कि आप यहां पर कह सकते हैं कि जिब्रलिन के अंदर क्या होता है हाइड्रोलाइजिंग जिब्रेलिन क्या करता है हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम जो होते हैं ना इनको प्रोड्यूस करता है सीड का जब जर्मिनेशन होता है तो सीड के जर्मिनेशन के अंदर आप कह सकते हैं कि हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम का बड़ा रोल है ये एंजाइम क्या करते हैं सीड के जर्मिनेशन को बढ़ाते हैं तो जिब्रलिन भी क्या करेगा जिब्रलिन भी हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम को बढ़ा देगा तो आप यहां कह सकते हो तो इसका आंसर कौन सा हो गया दूसरा इसका करेक्ट आंसर है इन्फ्लुएंस सेल सेल डिवीजन डिवीजन सीड को अगर आपको जर्मिनेशन कराना है तो आपको यहां पर ये एंजाइम चाहिए होता है बाकी बच्चों सेल डिवीजन तो ऑक्सिन भी कराता है साइटोकाइनिन भी कराता है और थोड़ा बहुत जिब्रेलिक एसिड भी क्या कराता है सेल डिवीजन कराता है तो आंसर यहां पे है सेकेंड ऑप्शन फलों में क्लाइमेटिक राइज के लिए कौन उत्तरदायी है क्या होता है फल पकते जल्दी है और फ्रूट्स के राइपनिंग के टाइम पर पकते टाइम पर जो बढ़ी हुई रेस्पिरेशन की रेट है इसी को हम लोग बोलते हैं क्लाइमेटिक राइज और इस रेस्पिरेशन को क्या बोलते हैं क्लाइमेटिक रेस्पिरेशन ठीक है क्लाइमेटिक सब्सन इसको बोलते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88 की बात करें विभिन्न पादपों के प्रकाश संश्लेषण के लिए उच्च तापमान निर्भर करता है द फॉर फोटोसिंथेसिस ऑफ डिफरेंट डिपेंड ऑन किस प्लांट के लिए कितना टेम्परेचर सुटेबल होता है यह डिपेंड करता है उस प्लांट के आप कह सकते हैं हैबिटेट के ऊपर उसके आवास के ऊपर दे पिगमेंट्स बच्चों पिगमेंट्स जो है उनका जो कंपोजिशन है वो तो फोटोसिस्टम के अंदर लगभग एक जैसा रहता है सब में क्लोरोफिल ए है सब में क्लोरोफिल बी है वगैरह हुआ करते हैं ठीक है आप कह सकते हैं इसके अंदर तो हुआ करता है तो पिगमेंट तो सब में सेम है पॉइंट वो बच्चों C3, C4 के लिए सब के लिए सबके अपना स्पेशल होता है देआर वॉटर कंटेंट तो वॉटर का जो रोल है वो फोटोसिंथेसिस के अंदर है तो सही बट इतना ज्यादा नहीं होगा क्योंकि प्लांट जो नाइनटी एट परसेंट पानी तो ऐसे ही लॉस कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसप्रेशन तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे है उनके आवास पर डिफरेंट डिफरेंट हैबिटेट के जो प्लांट हुआ करते हैं उनको बच्चों डिफरेंट डिफरेंट क्या चाहिए होती है लाइट चाहिए होती है ठीक है ये बात यहाँ पर आप कह सकते हैं 88 के अंदर इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 89 की शीतोष्ण जलवायु के वृक्ष कभी भी वृद्धि के सिग्मोइड वक्र का पालन नहीं करते हैं ट्री ऑफ टेम्परेट ट की बात करो अगर आप शीतोष्ण जलवायु की बात करो तो ट्रॉपिकल के अंदर क्या होता है उष्ण कटिबंधीय क्या होगा मौसम हर साल मौसम साल पर लगभग एक जैसा रहता है लेकिन आप शीतोष्ण की बात करो लेकिन अगर आप टेम्परेट की बात करो

पादप की नए पादपीय पदार्थ उत्पन्न करने की क्षमता संदर्भित करती है द एबिलिटी ऑफ द प्लांट टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट मेटेरियल इज रिफर्ड टू भी प्लांट कितना ज्यादा मेटेरियल बना सकता है ये जो बच्चों प्लांट की एफिशिएंसी हुआ करती है इसे कहा जाता है एफिशिएंसी इंडेक्स ठीक है मतलब प्लांट जो है उसकी कितनी एफिशिएंसी है वो कितना ज्यादा फूड बना सकता है कितना अधिक भोजन बना सकता है कितना अधिक नया पदार्थ उत्पन्न कर सकता है ठीक है तो यहाँ पे क्या हो गया इसको बोलते हैं एफिशियंसी इंडेक्स हमें से कहते हैं नेक्स्ट यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर नाइनटी वन वर्दी के लिए स्थितियों के लिए कौन सा एक कथन विषम है कंडीशन फॉर ग्रोथ विच स्टेटमेंट इज ओड वन न्यूट्रिय आर रिक्वायर फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटोप्लाज्म ठीक है तो न्यूट्रिएंट्स जो है पोषक पदार्थ जो होता है वो जीव द्रव्य के संश्लेषण के लिए सिंथेसिस ऑफ प्रोटोप्लाज्म के लिए जरूरी है बिल्कुल सही स्टेटमेंट है वाटर एंड ऑक्सीजन आर एसेंशियल एलिमेंट फॉर ग्रोथ बिल्कुल सही है ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर प्लांट ए नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर प्लांट के लिए जो आप कह सकते हैं कि पादप के लिए इष्टतम तापमान तापमान का कम प्रास है एनवायरमेंटल फैक्टर लाइट लाइट नेवर इफेक्ट होती है बच्चों पे गलत स्टेटमेंट है हर प्लांट ठीक है।, है।, तो है इस तरीके से कोई भी एक रेंज होती है प्लांट के लिए अपनी करती है उस रेंज के अंदर प्लांट मैक्सिमम ग्रोथ करता है लेकिन बच्चों ये स्टेटमेंट गलत है कि वातावरणीय कारक जैसे प्रकाश वृद्धि को प्रभावित नहीं करता गलत है प्रकाश जो है उसका तो बच्चों सारा रोल किसमें है वर्दी में है प्रकाश अगर होगा तो प्रकाश संश्लेषण होगा और प्रकाश संश्लेषण होगा तो आप क्या बता सकते हो इसके अंदर ग्रोथ हो पाएगी ठीक है तो उसमें अगर हम आंसर देखें तो आंसर क्या था उसका चौथा आंसर उसका हो गया ठीक है भाई आओ आगे चले 92. एक पादप में आर्बुद उत्पन्न होता है ए ट्यूमर इन ए प्लांट प्रोड्यूस्ड बाय तो ट्यूमर का बनना क्या होता है आप कह सकते हैं डी डिफ्रेंसिएशन होता है निर्विवेदीकरण हुआ करता है ठीक है क्योंकि तो जैसे आपके पास मान लो कि नॉर्मल प्लांट है आपके पास प्राइमरी परमानेंट टिश्यू है वो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू क्या करता है अपना वर्क करता है लेकिन अगर वो वर्क करने वर्क करना छोड़ देता है और डिवीजन करना स्टार्ट कर देता है तो आप कह सकते हो बदल किस में जाएगा सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में तो प्राइमरी परमानेंट से सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक का बनना इट इज कॉल्ड डी डिडिफ्रेंसिएशन तो आंसर यहां पे कौन सा हो गया दूसरा हो गया नेक्स्ट नाइनटी थ्री कोशिका दीर्घीकरण बढ़ी हुई रिक्तिका तथा कोशिका भित्ति का, का जमाव लाक्षणिक गुण है सेल इनलार्जमेंट इंक्रीज वैक्यूलेशन

निम्न में से पादप हार्मोन ऑक्सीजन से संबंधित कौन सा कथन सही है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू प्लांट हॉर्मोन ऑक्सीजन आर ट्रू ठीक है तो फोटोटोपिजम इन प्लांट इज ए रिजल्ट ऑफ मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन टूअर्ड्स लाइट याद रखना ऑक्सिन जो है वो प्रकाश की तरफ नहीं जाता टूअर्ड्स लाइट नहीं जाता अवे फ्रॉम लाइट जाता है

वो नेचुरली अगर आप कंडीशन देखें तो इंडोल एसिटिक एसिड वगैरह जो होते हैं ये ऑक्सीजन है हालांकि बच्चों टू फोर डी भी क्या होता है आप क्या कह सकते हैं एक ऑक्सीन है पर ये टू फोर डी क्या है आर्टिफिशियल है ये यहाँ पर नेचुरल ऑक्सीन यहाँ पे हुआ करता है तो यहां पे करेक्ट आंसर कौन सा हो गया नाइन्टी फाइव की बात अगर मैं बच्चों यहां पे करूं तो आंसर आप यहाँ पे क्या दोगे नेचुरल ऑक्सीजन या आर्टिफिशियल ऑक्जिन नेचुरल ऑक्सिन तो आंसर यहाँ पे कौन सा हो गया नाइनटी फाइव के अंदर पहला आंसर हो गया और नाइनटी सिक्स की बात करें

प्राथमिक वृद्धि शीर्षस्थ विरो पर अक्ष पर घेरों में वृद्धि का कारण होती है प्राइमरी ग्रोथ इज द इंक्रीज इन ग्रिथ नहीं बच्चों बात है प्राइमरी ग्रोथ में जो प्लांट की लंबाई लंबाई है है वो लंबाई बढ़ती बढ़ती कि उसकी मोटाई तो यहां पर गलत ऑप्शन हो गया सेकेंडरी ग्रोथ इज द इंक्रीज इन ग्रिथ ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ लेटल वेस्कुलर कैम्बियम कैम्बियम बिल्कुल सही स्टेटमेंट है एलोंगिनेशन ऑफ प्लांट इज द प्राइमरी ग्रोथ प्लांट जो है इस प्लांट के अंदर पादपों का दीर्गीण प्राथमिक वृद्धि है अगर बच्चों पादप जो है वो एलोमेट लंबे हो रहे हैं तो इसको आप लोग क्या कहोगे प्राइमरी ग्रोथ कहोगे मोटे होने को आप आप लोग क्या कहोगे कहोगे सेकेंडरी ग्रोथ ग्रोथ इज लिमिटेड इन हाँ, आप कह सकते हैं कि एक वर्षीय पादप जो होते हैं बच्चों उनमें वृद्धि क्या होती है सीमित प्रकार की हुआ करती है ठीक है उनमें वृद्धि कैसी होती है तो करेक्ट यहाँ गलत यहाँ पे कौन सा हो गया पहला ऑप्शन हो गया आंसर यहाँ पे हो गया नाइनटी सेवन का पहला नाइनटी एट कौन सा एक सही है विच वन इज करेक्ट आई ए एंड आई बी ए आर नेचुरल बट एन ए ए टू फोर डी एंड टू फोर फाइव टी आर सिंथेटिक ऑक्सिन देखो अभी हमने बच्चों थोड़ी सी बात की थी इसके बारे में नाइनटी एट नंबर क्वेश्चन के अंदर देखें आप पहला यहां पे स्टेटमेंट बिल्कुल सही है आई ए एंड एन ए ए आर नेचुरल बट आई बी ए देखो बच्चों ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है बाकी यहाँ पे सब रॉन्ग है ये दो यहां पर क्या होते हैं नेचुरल बाकी तीनों के तीनों बताओ यहाँ पर कैसे आर्टिफिशियल है 99 वृद्धि के निर्धारण हेतु शुष्क भार अधिक उपयुक्त मापन है क्योंकि अगर आपको ग्रोथ को मेजर करना है तो ग्रोथ को मेजर करने के लिए जो आपके पास में बेस्ट से बेस्ट से मेथड है वो ड्राई वेट को मेजर करना है क्योंकि बच्चों फ्रेश वेट में तो पानी होता है और पानी किसी प्लांट में ज्यादा कम होता रहता है बट वेट जो है हमेशा प्लांट में बढ़ता रहता है एट द टाइम ऑफ ग्रोथ तो आप कह सकते हो इट ऑलवेज इंक्रीज ठीक है आप, आप इसमेंट में देखो दो ऑप्शन है एक तो यहाँ पे बढ़ता है, it is synthesized biomass. तो पहली बात बायोमास जो है वो बायोमास का सीधा रिलेशन किससे होता है ऑर्गेनिक सबस्टान से होता है और ऑर्गेनिक सबिस्टान का रिलेशन किससे होता है आप कह सकते हैं ड्राई मास से होता है तो दूसरा थर्ड और थर्ड यहां पे दोनों स्टेटमेंट सही है लेकिन अपन कह सकते हैं ग्रोथ के लिए वो बेटर क्यों है क्योंकि ग्रोथ के अंदर ड्राइवेट से ही होता है ड्राइवेट किससे आता है ऑर्गेनिक से आता है और ऑर्गेनिक का सिर्फ रिलेशन किससे आता है बायोमास से तो करेक्ट आंसर यहां पे हो गया थर्ड ऑप्शन परिवर्तन के संदर्भ में एक विषम कथन को चुनिए चूज ओड वन स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट इट रिलेटेड टू ग्रोथ सही है

स्पेटियल अरेंजमेंट ऑफ सेल अफेक्ट द डेवलपमेंट कोशिकाओं की स्थानिक व्यवस्था परिवर्तन को प्रभावित करती है बिल्कुल अगर मान लो बच्चों कोशिकाएं जो है वो आप कह सकते हैं कि अगर एकदम टाइटली बाउंडेड है तो डेवलपमेंट कम होगा अगर लूजली डेवलपमेंट क्या होगा फास्ट होगा तो करेक्ट आंसर बच्चों यहां पे कौन सा हो गया अपना ए? इसने कौन सा पूछा है ओड पूछा है तो कौन सा आंसर यहां पे हो गया दूसरा ऑप्शन हो गया ये बात यहां पे तो ये बच्चों अपना यहां पर सिलेबस था प्लांट फिजियोलॉजी का थैंक यू